नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जयपुरवा के साथ में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं माता की भोग की थाली। तो ये आपको बताएंगे हम ये किस प्रकार से बनाएंगे और इसमें भोग की थाली में हम कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखते रहिए। और कौन कौन सी चीज़ें हम बना रहे हैं भोग में, वो भी आप देखते रहिए। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो आइए माता की भोग की थाली बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, माता के भोग के लिए हमने चने, ये देखिए, उबाल के तैयार कर लिए हैं। इनको हमने रात भर भिगो के रखा था एक कटोरी चने को, और फिर सुबह अच्छी तरह धोकर और हमने इसको 2 गिलास पानी डालकर कुकर में उबाल लिया है। ये देखिए एकदम उबल गए हैं ये इस तरह से। तो आइए माता के भोग के चने बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस ऑन कर दिए, कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हमने ये तेल डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच डाला है हमने इसमें, लगभग 20 ग्राम तेल डाला है। तेल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल लेते हैं, इसको लाल होने के लिए छोड़ देंगे। ये जीरा हमारा लाल हो गया है, इसमें हम 1/2 टीस्पून हींग डाल लेते हैं। 1/2 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, ये देखिए। और जो चने हमने उबाल के रखे हैं वो भी इसी में डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से चम्मच से चला देंगे। आधा चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल लेते हैं। आधा चम्मच इसमें हम नमक डाल लेते हैं, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको तेल में अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्ची डालनी है। ये हमने फ्रेंड्स पानी में भिगो के रखी हुई है 1/2 चम्मच मिर्ची, इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारे चने छोड़ के रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए, और आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, माता के भोग बनाने के लिए ये हमने 1/2 कटोरी सूजी ली है, इसका हम हलवा बनाएंगे। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हलवे में डालने के लिए हमने 5 बादाम लिए हैं, इनको हम काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस हमने ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम ये हमारी सूजी डाल लेते हैं 1/2 छोटी कटोरी, और इसको हम भूनने के लिए रख देंगे। इसको अच्छी तरह से चला के लाल होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लाल होने तक इसको हम सेक लेंगे अच्छी तरह से सूजी को। हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। ये देखिए हमने पानी डाल दिया है, और इसको हम पानी के अंदर अच्छी तरह पका लेंगे जैसे कि सूजी हमारी फूल जाए। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हलवा हमारा गाढ़ा हो गया है सूजी। अब जो हमने इसमें बादाम और ये नारियल काट के रखे हैं ये डाल लेते हैं, और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स करके छोड़ देंगे। ये देखिए सूजी हमारी गाढ़ी हो गई है, इसमें हम 1/2 छोटी कटोरी चीनी डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक चीनी हमारी
सूजी में अंदर मिक्स हो जाती है, तब तक इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूड़ी का आटा गूंद लिया है और इसकी लोइयाँ बना ली है। ये देखिए इस तरह से टाइट आटा गूंद कर हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे, सब बराबर साइज़ की। अब इसकी हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसको बेल लेते हैं पूड़ी के साइज़ में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूड़ियाँ बेल कर रेडी कर ली है। ये देखिए सभी पूड़ियों को बेल लिया है इस तरह से। तो इनको हम तेल में फ्राई कर लेते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस ऑन कर ली है, कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, तेल हमने रिफाइंड डाला है और इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब पूड़ियों को हम इसमें फ्राई कर लेंगे और आपको दिखाते हैं आगे। इसको पलट देंगे। और इसी तरह से हम सभी पूड़ियों को बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी पूड़ियाँ फूल कर तेल में ऊपर आ रही है। ये देखिए एकदम लोबा रहेगी जैसे। अब इसको हम पलट लेंगे और इसी तरह से हम सभी पूड़ियों को तेल में फ्राई कर लेंगे और आगे आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूड़ियाँ बनके रेडी हो गई। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अभी हम माता के भोग के लिए आपको थाली सर्व करके दिखाते हैं, आप देखते रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी माता की भोग की थाली हमने बना के तैयार कर ली है। ये देखिए हमने पूड़ियाँ भी बना ली है और ये हमने हलवा बनाया है सूजी का। ये देखिए ये भी कितना अच्छा बना है हमारा सूजी का हलवा। और ये हमने माता के भोग के लिए चने बनाए हैं, सूखे चने। ये देखिए ये भी कितने बढ़िया बने हैं। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मेरे चैनल जयपुरवा का स्वाद है, हमने ये माता की भोग की थाली बनाई है, पूड़ी हलवा और चने का, तो आप भी इसी प्रकार से बनाइए, खाइए और माता को भोग लगाइए। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ये थाली कैसी लगी माता की भोग की। फ्रेंड्स, हमारे चैनल जयपुरवा का स्वाद को आप इसी तरह देखते रहे, पसंद करते रहे। हमारे चैनल जयपुरवा का स्वाद को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाएँ। तो जब तक हम नया वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।